व्यक्ति के जीवन में होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं का संबंध कहीं न कहीं व्यक्ति की कुंडली से जरूर होता है। अब चाहे वो आर्थिक समस्या हो या शारीरिक समस्या हो या फिर मानसिक समस्या, जिसमें अगर आप किसी मानसिक समस्या जैसे मानसिक तनाव या डिप्रेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो इसका भी संबंध कहीं न कहीं आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के कारण है। ज्योतिष आचार्य राधा मोहन तिवारी के अनुसार अगर आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह और राहु ग्रह की युति बन रही है तो ये युति आपको कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और डिप्रेशन की ओर लेकर जाती है। और अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ज्योतिष आचार्य राधा मोहन तिवारी द्वारा बताए हुए इन उपायों को कर आप इन सभी समस्याओं से निजात पा सकेंगे। जय श्री राम। व्यक्ति के जीवन में मन का एक विशेष महत्व होता है। यदि व्यक्ति का मन मजबूत है तो वो बड़े से बड़े हिमालय को भी अपने साहस से, अपने मनोबल से उठाने का तमगा रखता है। लेकिन अगर उसका मन कमजोर है तो एक छोटी सी चींटी भी उसके जीवन में हाहाकार मचा देती है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं उनका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संबंध कुंडली के ग्रहों से और भावों से होता है। आज के आधुनिक दौर में हम देखते हैं कि युवा युवतियां मानसिक रोगों से परेशान होते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में डिप्रेशन जैसे शब्दों के इस्तेमाल के साथ कहते हैं। हताशा, निराशा, अंधकार, ये आज एक आम समस्या हो गई है। इसके लिए तो मेडिकल में भी लोग लगातार इलाज ढूंढ रहे हैं लेकिन उससे भी कई बार निकल पाना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में अगर हम देखें कुंडली में तो कुंडली आपकी सीधे तौर पर बता देती है कि आप इन समस्याओं से क्यों जूझ रहे हैं, आपकी कुंडली में कौन से वो ग्रह हैं जो ऐसी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं और इन समस्याओं से बचने का क्या उपाय है। तो चलिए हम आपको आज बता देते हैं कि कुंडली में जब चंद्रमा और राहु की युति बैठती है, दोनों ग्रह एक साथ बैठते हैं, तो इसे हम ग्रहण योग के नाम से जानते हैं। और ये युति इतनी अशुभ हो जाती है कई बार कि व्यक्ति अपने जीवन में निराशा और हताशा के घनघोर अंधकार की ओर बढ़ता जाता है। वो कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, उसकी मानसिक स्थिति मनोबल पूरी तरह से चूर हो जाता है। और ये सब कुछ होता है चंद्रमा के साथ राहु की युति के कारण। चंद्रमा मन का ग्रह होता है, चंद्रमा का सीधा संबंध मन से है, वहीं राहु पापक ग्रह है, राहु चंचल ग्रह है। तो जब चंद्रमा के साथ राहु युति बनाता है और संबंध बनाता है तो व्यक्ति का मन पूरी तरह से कहीं ना कहीं निराशा और हताशा से भर जाता है, डिप्रेशन जैसी स्थिति बनने लगती है, व्यक्ति का मानसिक पराक्रम क्षीण होने लगता है। वैसे तो कुंडली के तमाम भाव हैं, ये दोनों ग्रह जहां भी युति बनाते हैं अपना नकारात्मक प्रभाव जरूर दिखाते हैं, लेकिन कुंडली के तीसरे भाव जिसे हम पराक्रम का भाव भी कहते हैं, अगर व्यक्ति कि जातक की कुंडली में ये ग्रह वहां पर युति बनाते हैं, ऐसे में व्यक्ति पूरी तरह से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, जैसे हम कहते हैं निराशावाद की ओर बढ़ता है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर भी जाने लगता है। तो कुंडली में चंद्रमा और राहु की ये युति पूरी तरह से नकारात्मक होकर ग्रहण योग बनाती है और व्यक्ति को लगातार डिप्रेशन की हो जाती है। ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, किसी भी काम में वे डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या निर्णय लें, कुछ करना है तो उनके अंदर साहस की कमी रहती है, कुछ सफलता की ओर उन्हें बढ़ना है तो उन्हें लगता है कि मैं इसमें हार ना जाऊं, मैं इसमें असफल ना हो जाऊं, तो पूरी तरह से मानसिक परेशानी यहां पर खड़ी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी परेशानी का कोई उपाय ना हो, इसका कोई निजात ना हो। अगर कुंडली में कोई समस्या है तो हमें उसके उपाय की ओर भी देखना चाहिए। ग्रहण योग से, और अगर मैं कहूं कि चंद्रमा और राहु की इस युति से जो ये मानसिक स्थिति खड़ी होती है, मानसिक परेशानियां सामने आती हैं, हताशा और निराशा की जो स्थिति सामने आती है, ऐसे तमाम व्यक्ति जिन्हें लगता है कि वे अंडर कॉन्फिडेंट हैं, वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की युति हो सकती है। और अगर है तो आप इसके लिए मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं इसे आजमाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में एकाएक बदलाव देखने के लिए मिलेगा और आप अचानक आत्मविश्वास के साथ बली हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रमा का सीधा संबंध मन से होता है और राहु की युति मन को दूषित कर देती है जिसके कारण ये समस्या खड़ी होती है। ऐसे में आपको जो उपाय अपनाने हैं उसमें आपको भगवान भोलेनाथ की उस प्रतिमा की पूजा करना है जिसमें भगवान भोलेनाथ अपने माथे पर चंद्रमा को स्थिर करे हुए हैं, अपने माथे पर चंद्रमा को सजाए हुए हैं। ऐसे भगवान शिव की आप लगातार पूजा कीजिए, विशेष तौर पर सोमवार को, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि भगवान जो मुझे मानसिक आघात हो रहा है उससे निजात दिलवाएं। 7 सोमवार करते करते आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा। इसके अलावा एक और उपाय है, अगर आप थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ लेते हैं तो आप रुद्राष्टकम का पाठ भी कर सकते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश समाकाश वासम भजेहम।
भगवान श्री राम ने भोलेनाथ की स्तुति की थी, तब उन्होंने ये स्तुति की थी, तो आप भी ये करिए, आपको निश्चित तौर पर इस मानसिक आघात से निजात मिलेगा। जय श्री राम।